हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। बीए पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट, पॉलिटिकल थ्योरी की व्याख्यान की श्रृंखला में हम डेमोक्रेसी पर चर्चा कर रहे हैं। कल की का क्लास जो थी उसमें हमने लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के गुणों पर चर्चा कर रहे थे। आज की क्लास में हम उसी व्याख्यान को आगे बढ़ाते हुए, कल ये देखा था हमने कि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जितनी भी शासन व्यवस्थाएं अब तक प्रचलन में रही हैं उनमें सबसे ज्यादा अच्छी शासन व्यवस्था मानी जाती है, क्योंकि इस शासन व्यवस्था में जन कल्याण की साधना होती है। दूसरी बात हमने देखी थी कि सर्वाधिक कार्यकुशल शासन व्यवस्था इसके अंदर यह प्रशासन होता है। तीसरी बात कि ये जो नागरिक होते हैं उनकी मनोविज्ञान के अनुकूल होती है। और इसके आगे हमने पॉइंट जो आज की क्लास में हम देखेंगे कि जनता का नैतिक उत्थान, प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था का सबसे एक बड़ा गुण यह है कि यह व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसके नैतिक चरित्र को उच्चता प्रदान करती है। क्योंकि जैसा कि हमने पिछला पॉइंट देखा था कि मनुष्य के या नागरिकों की मनोविज्ञान के अनुकूल होती है, क्योंकि उसको मत देने का अधिकार मिलता है। इससे अंदर उसके उससे ही लगता है कि जो शासन व्यवस्था या जो शासक चुनकर के गया है उसको मैंने चुना है, तो उसके अंदर जो एक हिस्सेदारी की भावना आती है कि कहीं ना कहीं वो भी उस संपूर्ण व्यवस्था का पार्ट है। तो इससे उसके अंदर आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का भाव उत्पन्न होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का एक गुण है कि इससे व्यक्तियों के नैतिक चरित्र को उच्चता मिलती है। तो एक प्रमुख विचार लावेल के शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि वही सरकार सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छी होती है जो मनुष्य को नैतिकता और पवित्रता का पाठ पढ़ाए, और प्रजातंत्र जो व्यवस्था है वह इन बातों को पूरा करता है, इसलिए वह सबसे अच्छा शासक हो सकता है। तो हमने ये बात देखा कि जनता के नैतिक उत्थान की बात लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में की जाती है। एक अन्य शासन विशेषता जिस पर हम देखेंगे कि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था देशभक्ति का स्रोत है, और जनता इस शासन व्यवस्था में राज्य के प्रति एक प्रकार का लगाव अनुभव करती है, और इस लगाव के विचार से उसमें देशभक्ति की भावना का उदय होता है। मिल जैसे प्रमुख विचारक ने भी ये कहा है कि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में से लोगों की देशभक्ति को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि उनके अंदर ये भाव उत्पन्न होता है कि सरकार उन्हीं के द्वारा उत्पन्न की हुई वस्तु है, और वे उसके जो अधिकारी हैं या वो जो पदाधिकारी चुन के गए हैं या जो लोक प्रतिनिधि चुनकर के गया है जनप्रतिनिधि, वो हम उनका स्वामी न होकर के सेवक है। और इसी के कारण जनता उस शासन व्यवस्था से जुड़ती है, उससे वह प्रेम करने लगती है, और वो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेटरी होने का उसको मन उसका अंदर से अपने आप से करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था से लोगों के अंदर या नागरिकों के अंदर देशभक्ति का भाव जागृत होता है। और सबसे एक बड़ी विशेषता जिसके कारण ही लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था दूसरी शासन व्यवस्थाओं से ज्यादा उचित प्रतीत होती है वह यह है कि इसमें क्रांति से सुरक्षा प्राप्त होती है। जबकि अन्य शासन व्यवस्थाओं में चूंकि वो निरंकुशता पर आधारित होती है, चाहे वो राजतंत्र हो चाहे वो कुलीन तंत्र हो, चूंकि शासक उसमें अधिनायकवादी बन जाते हैं, तानाशाह बन जाते हैं, किसी एक विशेष गुट और एक ही वर्ग के लोगों के भले के लिए कार्य करने लगते हैं, तो इससे समाज के अंदर में एक असंतुलन पैदा हो जाता है। और जब असंतुलन होता है, जब एक ही तरफ टिल्टेड होती है गवर्नमेंट, तो ऑब्वियस है वहां पे क्रांति की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि शासक वर्ग के द्वारा जब एक लंबे समय तक शासितों पर अत्याचार किया जाता है तो नागरिक अत्याचार से मुक्ति पाने के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढने लगते हैं। लेकिन जब हम ये और उनमें क्रांति के अतिरिक्त उनके पास कोई उपाय नहीं रह जाता है कि वो शासन व्यवस्था शासकों को बेदखल कर दें या शासन व्यवस्था को ही उसका तख्त पलट कर दें,
लेकिन लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में हम देखते हैं कि क्रांति की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि शासक वर्ग एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है और वह ये भी जानते हैं कि यदि वो जनता की भलाई के लिए कार्य नहीं करेंगे तो विशेष परिस्थितियों में उनको पहले भी अपदस्थ किया जा सकता है, और यदि वो अपना कार्यकाल को किसी भी तरह निकाल भी लेंगे तो नेक्स्ट इलेक्शन में या नेक्स्ट टर्म के अंदर वो वहाँ पे चुन करके नहीं आ सकते हैं। तो एक प्रमुख विद्वान गिलक्रेस्ट के अनुसार हम ये समझ सकते हैं कि लोकप्रिय जो शासन है या जो लोकतंत्रात्मक शासन है वह कभी भी स्वभाव से क्रांतिकारी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सार्वजनिक सहमति होती है, उनकी नागरिकों के कंसेंसस से, उनकी सहमति से ही जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं और ऐसा शासन के अंदर क्रांतियां संभव नहीं है। एक अन्य विशेषता जो डेमोक्रेसी की हमारे सामने आती है वह यह आती है कि समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन व्यवस्था है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि व्यक्तियों की समानता के आदर्श पर ये व्यवस्था आधारित है। इसमें सभी नागरिकों बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार प्राप्त होता है, जो किसी भी शासन व्यवस्था के नागरिकों को समान रूप से प्राप्त होता है। यही एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता पार्टिसिपेटरी होती है, वो किसी, जबकि दूसरी शासन व्यवस्था में चाहे वो राजतंत्र हो चाहे वो कुलीन तंत्र हो, वहाँ कुछ लोगों को ही शासन कार्य करने का अधिकार होता है और बाकी जो नागरिक होते हैं वो सिर्फ शासित होने के लिए ही पैदा होते हैं या ऐसा मान लिया जाता है। और यही एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जाति, धर्म, भाषा, लिंग और संपत्ति कोई भी तरह का भेदभाव नहीं होता है, सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के शासन कार्य में भाग लेने का और मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में स्वतंत्रता और समानता पर आधारित होने के कारण यह शासन व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था कही जाती है। एक अन्य विशेषता की ओर हम देख सकते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में विश्व शांति की जो संकल्पना है या जो वर्ल्ड पीस की जो बात की जाती है, वसुधैव कुटुंबकम की जो बात कही जाती है, वह पूर्णतः चरितार्थ होती है, क्योंकि जो अन्य तानाशाही व्यवस्थाएं हैं चाहे वो राजतंत्र है, सैनिक तंत्र है या कुलीन तंत्र है, उनमें दूसरे देशों या दूसरे आक्रमणकारी नीतियों पर बल दिया जाता है और विस्तारवादी नीतियों पर चला जाता है, लेकिन लोकतंत्रात्मक जो व्यवस्थाएं होती हैं, जो सरकारें होती हैं, वो सहअस्तित्व की नीति में विश्वास करती है। वह सभी जो अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं होती हैं, यहाँ तक कि जो हमारी सीमाओं के से संबंधित मुद्दे होते हैं, उनको भी शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास करते हैं। और आज जो हम जानते हैं 20वीं सदी का जो यूरोप का इतिहास है, या हम एशिया के अंदर देखें जो पाकिस्तान और चीन की के साथ में जो भारत ने जिस प्रकार के संबंधों बना रखे हैं, वो ये आपको इस बात से बड़ी बात विदित हो जाता है कि जो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, जो जिस प्रकार की शासन व्यवस्था का पक्षधर भारत रहा है, या जिस नीति का, जिस प्रकार की वैदेशिक नीति का भारत ने हमेशा पुरजोर से जिसको उसने समर्थन दिया है, तो हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था हमेशा से विश्व शांति की समर्थक रही है। और अंत में निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि राजतंत्र और कुलीन तंत्र के अंदर हमको एक घुटन होती है जहाँ पे हमको लगता है कि नागरिक के किसी भी प्रकार का या उसका सर्वांगीण विकास संभव नहीं हो पाता है, लेकिन लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ही एक ऐसा व्यवस्था हमको प्रतीत होती है जहाँ पे मनुष्य या नागरिक अपना सर्वांगीण विकास कर पाता है, जहाँ वो स्वतंत्रता, समानता के शासन पर की जो उसकी या उसकी जो जरूरत है या जो उसके बेसिक्स है उसको प्राप्त होते हैं, उसको उसमें देशभक्ति की भावना जागृत होती है, वह उसके चरित्र का नैतिक उत्थान होता है, उसको सभी प्रकार के राजनीतिक कार्यों का शिक्षण मिलता है जो उसकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली होती है,
तो हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था एक सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था है। आने वाली क्लास में या अगली क्लास के अंदर हम लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में जो कमियां हैं उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।